जवाब भी लाजवाब सुना है। आपने कहा रिंकी जी दो साल बाद आप मिली हैं, कुछ बदली बदली लग रही हैं। हाँ, आप तो दो साल में अंतर हो ही जाएगा या दो महीने में अंतर हो जाता है। अरे दो घंटे में अंतर हो जाता है भाई। किशन भैया, मैंने तो आपसे ऐसी कोई भी बातचीत नहीं की जो आपको ऐसा लगे कि मैंने कुछ अभद्र बात की हो या मैंने किसी गलत शब्दावली का प्रयोग किया हो। बिल्कुल ऐसा तो नहीं है। मैंने तो यही कहा कि आप गाने वाले हैं, गीत के रचनाकार भी ऐसे हैं जिनका मैं हृदय से सम्मान करती हूँ। हमारे परिवार के ही हमारे चाचा जी हैं, श्री लालचंद दीक्षित जी आपके गुरु हैं, वो उन्होंने ऐसे गीत लिख दिए हैं तो मजबूरी है। बिल्कुल मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। इस नवरात्रि का उद्घाटन भी उन्हीं के द्वारा हुआ, उन्हीं से हुआ था। मजबूरी यही है। अगर कोई और कलाकार होता आपकी जगह तब मैं इस गीत को बताती कि कैसे लिखना चाहिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि आपको खराब लगे। अगर आपको ऐसा लगा है कि रिंकी जी ने कुछ गलत कहा है तो मैं उसके लिए कान पकड़ के सॉरी बोल रही हूँ। नहीं, क्षमा मांग रहा हूँ। नहीं, आप बड़े हैं भैया और आप जैसे श्रेष्ठ कलाकार, आप जैसे विद्वान का अगर हमने दिल दुखाया है तो इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। सामंडल, बस हम नहीं सामंडल, क्योंकि आपसे सभी छोटे हैं। लेकिन जहाँ पर जवाबी की बात आती है, हाँ, किंतु परंतु लग जाते हैं, तो वहाँ पर मर्दों से पैदा लाल नहीं होता ये भैया। कान से पैदा लाल नहीं होता, बालों से पैदा लाल नहीं होता। लाल होता है जब नारी है और नर है। बिल्कुल, जोड़ा इसीलिए बनाया गया है। और हर चीज का जोड़ा है, दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है। लेकिन चलिए, जवाब आप बहुत अच्छा लाए हैं। एक जलचर एक थलचर वाली, एक जलचर एक थलचर वाला, आपने बजरंगबली को दिखा दिया। मुद्रिका ढूंढने जब जल में गए तो वो जलचर हो गए। अच्छा, बढ़िया बात है। जब आपके लिए नहीं कहेंगे क्योंकि प्रबुद्ध जनमानस एकत्रित है। बिल्कुल, क्या आप गा रहे हैं, क्या आप जवाब दे रहे हैं, व्यर्थ में समय बिताया जाए, दो घंटे चिल्लाया जाए, कोई फायदा नहीं है। हाँ, उतने में अच्छे अच्छे दो गीत हो जाएं। क्यों भैया, बहुत बढ़िया बात आई है। आइए, आपने बहुत सुंदर सी कटबीज गाई है। मैं भी प्रयास कर रही हूँ कि शायद आपकी बड़ी ही सुंदर सी कटपीस का प्रयास आ जाए। बिल्कुल, लेकिन किशन भैया ये कटपीस आपने हमसे तो गा दी है। बस बस, जब अन्य किसी कलाकार से गाइए था तो उसको बता दीजिएगा कि आपकी कटपीस में है क्या। ये छुप के तीर चलाना आपने कब से सीख लिया? हाँ, दो साल पहले तो आपने ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं किया था भैया। अरे हम तो छोटे हैं, हमसे गलती हो जाए तो कुछ नहीं, हम तो क्षमा मांग लेंगे। आप बड़े होकर क्षमा भी नहीं मांग सकते। लेकिन आइए मैं बता दूं आप लोगों को, किशन भैया ने आप लोगों को नहीं बताया है, इन्होंने जो कटपीस गाई है इसको अक्षर सिंघावलोकन कहते हैं। ये छुपा के काम कर रहे हैं, ये बड़ों के काम है। और शायद या तो आपको नहीं पता या कि आपके गुरुजी ने नहीं बताया। ये समस्या, क्योंकि मैंने बताया उद्घाटन उन्हीं से हुआ है और ये कटपीस मेरे सामने भी आ चुकी है। ऐसा काम नारायण भी बहुत करता है। लेकिन वो तर्ज अलग थी, मर्ज यही था। 70-70, 370। बिल्कुल, चलिए बढ़िया है। तर्ज आपने बहुत सुंदर से गाई है। मैं भी प्रयास करती हूँ, शायद आपकी तरह तो नहीं लेकिन मैं अपना कुछ प्रयास कर सकूं। बिल्कुल बिल्कुल, बस क्योंकि अपना अपना विवेक होता है, नहीं काबिल हर एक होता है। वास्तव में राजा वही होता है जिसका राज्य अभिषेक होता है। गैर के काम जो आए वही इंसान नेक होता है। यूं तो रहते हैं लाखों ग्वाल बाल गोकुल में, लेकिन मेरा किशन
लाखों में एक होता है। बिल्कुल हमारे दादाजी की तरह। मैं आपको बता दूं यथार्थ सत्य है, रिंकी तिवारी मंच पे कभी झूठ नहीं बोलती। संजय भैया आज ये कार्यक्रम चल रहा है, मैंने संजय भैया को बताया था, पहली बार भैया का कार्यक्रम ये रिकॉर्ड हो रहा है। मैंने कहा था कीर्तन जगत में एक नई आवाज रिंकी तिवारी देंगी, तो मैंने ये प्रयास किया है और वाकई में मुझे खुशी हुई। जो चीज आप दे रहे हैं शायद हर कलाकार नहीं दे सकता। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मन से कह रही हूँ, बस प्रयास यही है कि ईश्वर मेरे मन में जो कामना है वो पूरी हो जाए। बस आप इस कार्यक्रम से सक्सेस होते रहे हैं क्योंकि हमसे अच्छा आप गा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, बड़े हैं तो हमसे अच्छा गाएंगे ही। भैया जी आइए, आपने पेमेंट बेटा कम मिला इनको भेज दिया जाता है, जहाँ 7 तारीख वाला कार्यक्रम आ रहा है। हो जाता है कभी कभी, मैं लोगों की बात नहीं करती हूँ लेकिन मैं अपनी बात कर रही हूँ। माता रानी ना रूठे बस, मैं वहाँ पर आपको पहुँचाने का प्रयास करूंगी, हम और हमारे संजय भैया। बिल्कुल, वहाँ पर पहुँचाने का प्रयास करूंगी कि एक बार कलाकार सोचिएगा कि आखिर किशन भैया कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए। बिल्कुल, हमें खुद ये लग रहा है, मैं पूरा प्रयास करूंगी। आइए, आपने तर्ज बहुत अच्छी दी है, प्रयास कर रही हूँ। सही आपने धुन गाई है, वैसे में हम जो हमको छेड़े उसकी खैर नहीं, रखेगा बैर तो उसकी खैर नहीं। बहुत अच्छी बात आपने लगाई है। बिल्कुल, 370 हट गई, बहुत सारी बातें आपने लगाई हैं। भैया जी मैं भी प्रयास कर रही हूँ, शायद आप लोगों को लगे कि जवाब में कुछ मेहनत लगी है। बिल्कुल, क्योंकि मैंने बताया है जवाब की जवाबी होती है। आइए, मैं भी प्रयास कर रही हूँ। आखिर 70 सालों में जो नहीं हो पाया भैया वो अब क्यों हुआ, प्रयास कर रही हूँ। बिल्कुल, और जिनके द्वारा हुआ है, जैसे हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश को पूजते हैं ना, हाँ वैसे तिकड़ी इधर बस है। इधर तिकड़ी वही चल रही है, मोदी योगी और अब देखिए मैं प्रयास कर रही हूँ, निवेदन करूंगी अगर जवाब अच्छा लगे तो, क्योंकि कलाकारों को जीवन में दो चीज मिलती है, कार्यक्रम अच्छा दे गया तो सुनने वालों की तालियां, और हल्का सा डगमगा गया तो सुनने वालों की गाली। हम नहीं कह रहे, आप ही लोग कह रहे हैं, सुनने का प्रयास समझिए। अब देखिए जब 370 हट गई, 35 एक का काम 35 हो गया, तब हुआ कैसे? उससे पहले देखिए हमारे सैनिकों पर पत्थरबाजी हुई। मोदी जी ने कह दिया, क्या चैलेंज कर दिया, जो भी हमारी जवान हमारे जवान पर पत्थरबाजी करे उसको छोड़ा ना जाए, जो भी ढोलक बजाते मिल जाए उसको नौकरी दे दी जाए। नारायण तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं। अब देखिए जब ऐसा देखा तो मेरी पंक्ति कहती है भैया जी केवल जवाब सुनिएगा, सुनिएगा मेरी ओर से। और साहब
कश्मीर में झंडा लहराने का। बिल्कुल बिल्कुल। अब सिंहावलोकन चल रहा था, आपने अक्षर लगाए, अंक लगाए हैं, मैं अक्षर ले रही हूँ। बिल्कुल। शब्द मंसूबा। अब मंसूबा, मंसूबा ऐसा मोदी का छोड़ दिया महबूबा। महबूबा मुफ्ती को ये बात अच्छी नहीं लगी। हाँ तो चलो किनारे हटो। चलो किनारे हट गई। जब छोड़ दिया महबूबा को, तो महबूबा वो अरुण की देखो, जिसने दुनिया, जिससे दुनिया हारी। कुछ ही दिनों बाद जिनको बहुत खुशी थी, हमारे अरुण जेटली जी जब चले गए, कुछ ही दिनों बाद सबसे पहले जाकर कहती, कुछ ही दिनों बाद हमारी बीच से सुषमा स्वराज जी भी चली गई, जाकर के सबसे पहले खुशखबरी सुनाई, अरे सुन लो अटल बिहारी। हम इतनी करीब पहुंच गई कि बिहारी जी जो हम लोग चाहते थे वो कार्य पूरा कर दिया है हमारे मोदी जी ने। कहना पड़ा कभी दूर थी पास हो गई, कभी दूर थी पास हो गई, अरे वो कश्मीर हमारी। अरे कश्मीर की देखो अब तो, अरे खिल गई क्यारी क्यारी। तो कहना पड़ा अधूरा है, केवल सभी लोगों का है, हमारा है, आपका है, आदरणीय प्रधान जी से मैं कहूंगी आपका भी होगा। क्या राम लला अब दूर नहीं है। अयोध्या जी आप लोग गए हैं, हमारे राम लला आज भी तंबू में बैठे। बिल्कुल, टेंट के नीचे। भैया राम लला, भैया बस यहीं पर एक समस्या है। अभी राम लला देखो नहीं दूर है, और जो थी मजबूरी वो नहीं दूर है। क्योंकि अरुण जेटली जी ने कहा था मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल। इसीलिए अभी राम लला देखो नहीं दूर है, देखो राम लला। आपके 370 अब एक सपना केवल है कि हमारा जो राम मंदिर अधूरा पड़ा है बस उसका निर्माण हो जाए। ये मेरी ओर से प्रयास। आइए, आपने गीत बहुत सुंदर सा गाया।